नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन रविवार और टाइम दोपहर के 12 बज गए। और कल आप सभी को पता है, जैसे कि जब मैं उधर गई थी गुड न्यूज देने के लिए, तो मैं सबके लिए वहाँ सबको इनवाइट करके आई थी कि कल आ जाना, सब संडे है। तो आज मैंने दोबारा फिर से फोन किया था उन सभी को, मैंने कहा आ जाना, क्योंकि एक बार रफली बोलना और एक बार मतलब अच्छी तरीके से बोलना जरूरी होता है। तो मौसम की मैं बात करूं, मौसम बहुत ही कातिलाना सा है। असल में बारिश और हवा दोनों ने आतंक मचाया हुआ है। देखिए अभी भी बारिश हो रही है और बस पता नहीं, ठंड ने ना वापस अपना काम शुरू कर दिया। बीच में नहीं तो अब क्या हो गया था कि ठंड जो है मतलब इतनी नहीं होती थी, बंद होनी शुरू हो गई थी, कम थी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वापस से ठंड ने अपना प्रकोप जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। तो जी खाना बनाना है सभी के लिए, क्योंकि लंच के लिए मैंने बोला था उन्हें, तो सुबह का काम हो गया था। सिंपल रोटी ही बनाई थी मैंने, सुबह दूध वगैरह के साथ दिया था बच्चों को, और मुझे था कि दोपहर को बनाना है तो इसीलिए। तो चलिए जी लगते हैं काम पे और देखते हैं क्या क्या बनाना है आज मुझे, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। तो लगते हैं अपने काम पे और आएंगे वो लोग तो फिर चाय नाश्ते का भी इंतजाम उनका करना है। बच्चों की मैं बात करूं तो बच्चे दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये इनकी पढ़ाई हो रही है। आज संडे है, बच्चों का ट्यूशन ऑफ है। पीयू का कल को साइंस का पेपर है और रूही का है मैथ का, तो दोनों को बिठा रखा मैंने कहा अपना पढ़ते रहो, ठंड हो रही, बारिश तेज होगी। हे बस रूही को तो बस एक ही बार करना हो हे। तो खैर चलिए जी, बातें होगी बहुत, लगते हैं अपने काम पे जी। पीयू के डैडी आ गए हैं सामान लेके, और सामान मंगवाया था, क्या क्या ले आए दिखा देता हूँ। क्या क्या लिया और आज स्कूटर में तेल खत्म हो रहा था, फिर पैदल ही आए, बाइक पे आया हूँ, और बाइक पे इतना सामान लाना बहुत। पानी ले लो, पानी। वीरका वालों ने पहली बार गिफ्ट दिया हमें, क्यों हम उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इसलिए। ये दही के छोटे छोटे पाउच, अच्छा चलो, एक पैकेट के साथ ही। ये तो 600 ग्राम ही हुआ दिखा है, 200 ग्राम का होना पैकेट। ये नमकीन बिस्किट हो गए, ये तीनों की होगी इसकी, ये दो मक्खन, मक्खन सिंह लो, शैम्पू रखा तो था बेटा वो ऐड के लिए है, ये खड़े मसाले वो नहीं है इसमें, तेज पत्ता नहीं है, तेज पत्ता यहाँ पड़ा होगा, यहाँ कहाँ पड़ा होगा तेज पत्ता, शिमला मिर्च, खीरे पीरे डीरे सारे ले आए, और दूध, दूध है इतना, अच्छा दही भी है मुझे लगे, दो किलो दही है, डेढ़ किलो दही बहुत थी, टमाटर नहीं लाए यार, लिखे थे मैंने टमाटर के बिना तो एक, पीहू के डैडी हद कर रहे। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका था थोड़ा सा सामान लेके यहाँ पे, और एक चीज भी भूल जाना, इतनी दूर रहने का यही नुकसान है बस, और सबसे ज्यादा यही है, एक भी चीज मिस हो जाए तो बस उसी के लिए दोबारा फिर वही उसी मंजिल पर जाना पड़ता है जो कि बहुत दूर है। तो रह गए थे मेरे याद में ये टमाटर, टमाटर रोल लाने पड़ेंगे, और टमाटर के बिना ना कोई भी सब्जी नहीं बनती। टमाटर वाला आलू तो ऐसी चीज होगी, ये हर चीज में, इसीलिए तो कहें आलू जैसा बनो, किसी के भी साथ मिक्स हो जा ना भाई, हम तो तेरी साथ ठीक है, नहीं मैं तो आलू बनने भी नहीं देती आप यूं सोच रहे होंगे कि मैं कह रही तो मैं बनने दूंगी आपको। चल चाय बना दे फिर, चाय पी के चलता हूँ, है ना, ठंड भी लगी, मैं तो बल्कि जैकेट भी नहीं पहन का आया, तुम जैकेट की दुकान पे ही है, आपको भी तो यंग ब्लड बनने का नहीं, मैं फिर लग रहा मैं अगर वहां से बाजार में से दुकान पे जाता फिर 15 मिनट लग जाते हैं, दुकान से ही पहन के जाती। अच्छा तुझे इतनी जल्दी हो रही कि भाई 1 मिनट में फोन करा, 1 बज गया पीओ के डैडी, 2 बजे उनके आने का टाइम है, मैं तो बारिश की बारिश आ गई थी, क्या करें, ऊपर से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही, दो दिन से हो रही रिमझिम रिमझिम। तो क्या हुआ, हो रही कोई दिक्कत है ना, सुबह से धरती काट रखी पूरी, थोड़ी सी देर पड़े अब दोनों आपस में, मुझे नहीं पता कि क्या इनमें गुत्तम गुत्ता हुई, इन्हें जरूर इसका मारा तो ना, मारा ना उसको कुछ, पेट में नहीं मारा उसने, नहीं मारा, भूख लग रही होगी, फिर भूख भी नहीं लग रही सही में, यहाँ यहाँ और यहाँ गैस का हो रहा बेटे तेरा, फिर जा थोड़ी सी चहल कदमी कर, नहीं जा रहा रहने तक, टीसी ठीक।
तो जी देखिए, मैं चाय बनाने लगी हूँ। पीयू के डैडी बोल रहे थे कि चाय, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, फिर से बरसात आ रही है रोज डेली। 2-3 दिन से रोज डेली बरसात आ रही है और ओले भी पड़ रहे हैं, और कई जगह तो बहुत भारी मात्रा में ओले पड़े हैं। फसल का भी बहुत नुकसान हुआ है लोगों की, तो बस क्या करें जी, भगवान के हाथ की जो चीज़ें हैं उनमें तो हम खैर कुछ नहीं कर सकते, जो उसने किया है वो ही करेगा। तो बस यहाँ पे चाय बन गई, उसके बाद हमने पी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ओए ओए ओए, कृष्णा नहीं आया? तीनों भाई राम राम जी, राम राम। ओहो, सोफे सोफे फिर चेंज कर दिए। क्या हुआ, ठीक ठाक भी? पानी बेटे को ले लो। तो जी ये लोग आ गए थे और खाना भी जो है मेरा बन के तैयार हो गया। खाने में क्या क्या बनाया वो मैं आपको बता दूं। ये बनाया मैंने आज कढ़ाई पनीर, और जी ये है चावल, ये है वेजिटेबल रायता, ये सलाद है, और ये है, एक सेकंड मैं ढक्कन खोल दूँ फिर दिखा रही जी, ये होगी दाल मखनी हमारी बनाई। तो दाल मखनी नू पता नहीं कौन ये सी तो बनी। आपने सैनी डब्बे थे जैसे बना दिया। हाँ आज मैंने सैनी डब्बा घर ही खोल दिया, हम भी सैनी, वो ढब्बे वाला भी सैनी। ये तो है कढ़ाई पनीर, और इधर साथ में बना रहे पूरी, तो यहाँ पे आंसू बनवा रही। तो जब तक पूरी बनेगी तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। और आज ना मैंने नया डिनर सेट निकाल दिया अपना, ये मेरे विवाह का डिनर सेट है जी, है जी। मैं कहा ये विवाह के शुभ मुहूर्त का दहेज का सामान है यो, आज हमने दहेज का सामान निकाल दिया अपना। बिना देखो ही बढ़िया लग गया था, मैं तारा भी तीसरी आके डब्बे के अंदर सा डब्बा आया वो भी देख लिया आपने। किसी की पसंद का हो भी आका तो मारे किसी की पसंद का हो, हमारे दहेज का माल है। चलिए जी खाना लगाते हैं जल्दी जल्दी। तो जी देखिए खाना वगैरह मैंने सारा बना दिया था, बस पूरिया रह गई थी। तो आंसू कहने लगी कि ला मैं बना दूं, मैं तो मना कर रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैंने कहा जब सारा बन गया है तो पूरिया ही रहेगी, कोई बात नहीं। फिर वो कहने लगी कि कोई नहीं तू दे दे खाना, मैं बना दूंगी। तो ये नए घर की जो खुशी है उसी की ही हमने ये किया था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर दूं, मैंने कल लाइव में भी वो चीज़ बताई थी और आज फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो प्लॉट लिया गया था उसके बारे में सबको पता है, पूरे घर को पता है, और इवन आशु ने अपने एक वीडियो में वो प्लॉट आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, काफ़ी टाइम की बात होगी। ये ज़रूर है कि मकान बनाने का अभी हमें उसमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वही है कि हम लोग सोच रहे थे कि चलो बना हुआ ले लेंगे, लेकिन बाद में हमारा विचार बना कि नहीं हम लोग अपने आप से बनाएंगे भले ही थोड़ी जगह में हो। तो वो चीज़ मतलब ये आइडिया था सबको कि ये मकान बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं हुआ था किसी के भी आगे अभी तक कि इसी प्लॉट में। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी से वो बात छुपाई है या कुछ भी, क्योंकि काफ़ी सारे इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमने अपने घर वालों को नहीं बताया था। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सबको पता था और आशु ने काफ़ी टाइम पहले अपने एक वीडियो में वो प्लॉट दिखाया भी था आप लोगों को, जो जिनको याद होगा शायद उन्हें पता होगा। तो खैर देखिए जी यहाँ पे खाना बन गया था और मैं देने लगी थी सभी को। यहाँ पे ये भैया आए हुए थे, संदीप भैया हैं, जिजा जी हैं, पीहू के डैडी हैं और सारे हैं। कन्हैया को भी बोला गया था, मैंने कहा आ जाना, लेकिन वो नहीं आ पाया समय पे, क्योंकि दुकान पे किसी एक का रहना जरूरी है, या तो पीहू के डैडी रहेंगे या कन्हैया रहेगा। तो फिर इसीलिए पीहू के डैडी आ गए थे तो कन्हैया नहीं आया था। फिर बाद में भी सोचा कि आ जाएगा, लेकिन कस्टमर वगैरह आ रहे होंगे तो वो नहीं आ पाया था। तो फिर उसके खाने का बाद में हमने हुआ कि चलो वहीं भेज देंगे। तो यहाँ पे आंसू से एक बना रही है पूरिया, मैं सिखवा भी रही थी और खाना भी दे रही थी मैं, और उधर सभी जो है वो खा रहे थे। भैया हर बैठे थे, सारे ही सब थे, तो मैं और वो दोनों बना रहे थे। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि भाई मैं
यूं नहीं कहती कि मैं बहुत कुछ करती हूँ सबके लिए या किसी के लिए भी, मैं मानती हूँ औरों की अपेक्षा मैं बहुत कम करती हूँ चीज़ों को, लेकिन मेरा एक मानना है कि आपका जो आप कर रहे हो वो सच्चे मन से करें और सच्चे भाव से करें तो हर चीज़ अच्छी है। आप मतलब ये ना सोचे कि नहीं भाई आपने इतना नहीं किया, उसने इतना किया था आपसे कम हो रहा, ये भाव मत रखिए अपने मन में। मेरा तो ये है कि मैं भले ही किसी के लिए कम मात्रा में करूं लेकिन उसे पूरे मन से करूं वो ज़्यादा है। आप सभी भी देखते हैं कि मेरे पास कोई इतना आता जाता नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि भले ही वो मेरे पास थोड़ी देर के लिए आए, क्योंकि समय निकाल के कोई हमारे पास आ रहा है, तो उस थोड़े से को भी मैं अपनी तरफ से पूरा बनाने की कोशिश करती हूँ। अपने पूरे मन से मैं सारी चीज़ों को करती हूँ। ये नहीं है कि भाई आ गया कोई बैठ गया तो भाई दिक्कत होगी या कुछ, ना वो वाली चीज़ नहीं है। अपने पूरे मन से मैं करती हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि कोई समय निकाल के आया है, अपना समय हमें दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि भले ही मैं कम करूँ लेकिन अपने पूरे मन से करूँ। तो देखिए बस हमने कन्हैया का भी खाना लगा दिया है और ये जाएंगे कन्हैया का खाना ले। तो जी उन्होंने खा लिया है खाना, संदीप भैया भी, जीजा जी और पीयू के डैडी वो चले गए हैं तीनों। जीजा जी को और संदीप भैया को जाना है कालका और पीयू के डैडी को जाना है बुटीक पे, तो वो तीनों जा ले गाड़ी लेके। तो यहाँ पे अब बचे हैं मैं, आशु और चारों पांचों बच्चे हैं हमारे यहाँ पे। तो अब बारी मेरी और आशु की आ गई है खाने खाने की। हाँ मैं तो वैसे बताती हूँ, घर में तो हम ही है, तो हमें बस मैं और आशु भी अब खाना खाएंगे और खाना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चाय पानी का अरेंज करेंगे। तो जी अभी तो पहले खाना खा लो, आराम कर लियो हमें, तो फिर खाना भी नहीं नहीं बाद में ही, बाद में ही, नहीं नहीं तो खाना खा, खाना खा, ठीक है जी। तो जी देखिए यहाँ पे वो लोग चले गए थे, मैंने और आशु ने भी फिर खाना खा लिया था, उसके बाद बारी आ जाती है किचन की। और मुझे ये था, मैंने कहा सुनीता आएगी क्योंकि आती है वो रोज डेली, और क्योंकि मैं बिजी थी थोड़ी सी काम में तो मैंने देखा नहीं, उसने भेजा हुआ था मैसेज कि दीदी मैं नहीं आऊँगी, उसको सोलन जाना था किसी काम से। तो फिर मैंने कहा चलो भाई जब कोई काम करना ही है तो अपना साथ के साथ ही निपटा के बैठते हैं और क्या, क्योंकि वो अभी भी करना है थोड़ी देर बाद भी करना है। खाना वगैरह सब ने खा ही लिया था तो मैंने कहा चलो लगते हैं यहाँ पे। तो मैं अपना बर्तनों में लग गई थी, फिर आंसू कहने लगी कि ला मैं धुलवा दूँ। और मेरी कोशिश मैं सही में बताऊँ, मुझे ये रहता है कि भाई जब कोई मेरे पास आया है तो मैं उससे कुछ ना करवाऊं, या हमारे घर में कोई आया है एक मेहमान स्वरूप में मान लीजिए, परिवार भी मान लीजिए या कुछ भी, अपने घर में सभी ही करते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनसे कुछ भी ना करवाऊं, तो इसीलिए मैं मना कर देती हूँ ज़्यादातर। फिर वो कहने लगी कि कोई नहीं जल्दी हो जाएगा तो दोनों कर लेंगे। फिर मैंने उसे ज़्यादा मना इसलिए नहीं किया, मैंने कहा कभी यूँ सोचा कि पता नहीं है क्यों मना कर रही, मैंने कहा चल धुलवा दे। तो उसने फिर बर्तन धुलवा दिए, मैं मांज रही थी और वो धुल रही थी। और गर्म पानी में ना बर्तन धोते हुए या मांजते हुए बड़ा मज़ा आता है, ये गीजर लगा हुआ है ना तो इसमें। तो जी बर्तन धुल गए सारे और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो कर दी है अपनी स्लेप जो है वो साफ़ कर दी है, और मतलब अच्छे से कर दी है साफ सारी। और उसके बाद बस हम लोग करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, और साथ के साथ ही आ गई थी बारिश, तो चलिए आपको थोड़ा सा बारिश का नज़ारा मैं दिखा देती हूँ। किचन का काम निपटा दिया हमने सारा और बर्तन वगैरह भी, आज सुनीता ने ऐसे टाइम पर छुट्टी मारी जब जरूरत हो। तो यहाँ पे पीयू कर रही है अपनी पढ़ाई और गुड्डू शायद लेट गई, इधर लाइट नहीं है क्या, और ये दोनों तो अपने फोन में, और मौसम बारिश राम जी यूं सोच रहे बरसात के नाम की अभी हाँ तोलिए पड़े थे मेरे तो बाहर है, मेरे तो ध्यान ही नहीं रहे, मैं तीनों चारों में धोए जा रहे हैं वही से, ठीक है मैं तो वही क्या ताड़ना है ना, मेरे तो याद ही नहीं रहे, सुबह फैला दिए थे नहा गए वही से, और पूरी तेल मुझे लगे ओले गिर रहे हैं क्या, देखो जी यहाँ को दिखा रहे हैं हम आपको, ओले गिर रहे टप टप लग रहे हैं आके, ये गिर रहे देख छोटे छोटे से बर्फ पानी, अरे ओले अंदर आ गया ओला, ओले आ रहे बहुत सारे, आए आए देखो ओले गिर रहे भाई, ये पड़े इस पे एसी के ऊपर ओले गिर रहे हैं और तेज होगी, देख ये पड़े देख एसी पे, अरे इधर की यार ये तो पता नहीं जिंगे का। ये देखो जी यहाँ पे बारिश, ओले अगर दिख रहे हो आपको तो वहाँ गिर रहे हैं नीचे बार बार, अब कम होगी।
Thank you.